हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत स्वस्थ और खुश होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे हुआ नारियल का जन्म। हिंदू धर्म में नारियल का विशेष स्थान दिया गया है। दोस्तों, पूजा अनुष्ठान और हर शुभ मंगलकार में हम प्रारंभ में नारियल फोड़ते हैं। ये क्रिया जो है वर्षों से चली आ रही है। किसी का स्वागत करना हो तो श्रीफल से अच्छी भेंट क्या हो सकती है? कभी कोई पूजा आपको याद है जो नारियल के बिना या कलश के बिना हो पाई है? और फिर कथा समाप्त होने पर बटने वाला नारियल का प्रसाद भला कोई कैसे भूल सकता है? पर क्या कभी सोचा है आपने, जिस नारियल का महत्व इतना ज़्यादा है, आखिर वो धरती पर आया कैसे? हम सबके पास में साधारण सा जवाब होता है, जैसे धरती पर बाकी फल आए हैं, किंतु ये कहना काफ़ी नहीं है। दरअसल नारियल बाकी सबसे अलग है, इसलिए इसकी कथा भी सबसे भिन्न है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार नारियल धरती पर आने की दो अलग अलग अद्भुत कहानियाँ हैं। सबसे पहली कथा है, भगवान विष्णु अपने साथ लाए थे नारियल। शास्त्रों के अनुसार जब भगवान श्री हरि ने पृथ्वी पर अवतार लिया, तब वो अपने साथ तीन चीज़ें लाए थे, देवी लक्ष्मी, कामधेनु, नारियल का वृक्ष। इसलिए इसे श्रीफल कहा जाता है। ये श्रीफल न केवल भगवान विष्णु को ही प्रिय है, इनके साथ ही साथ ये शिव जी और ब्रह्मा जी को भी प्रिय है। यही कारण है कि नारियल के वृक्ष की कल्प को कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। मतलब इस वृक्ष में तीनों देवताओं का वास होता है। दोस्तों, यदि कभी आपने नारियल के भीतर गौर से देखा हो तो इसके अंदर तीन बीज दिखाई देते हैं, और यही कारण है कि नारियल को तोड़ने के बाद इन बीजों को खाया नहीं जाता, बल्कि भगवान की मूर्ति पर चढ़ा दिया जाता है या हवन में स्वाहा कर दिया जाता है। नारियल से जुड़ा एक और रहस्य मैं आपको बताती हूँ कि नारियल को बलि के रूप में भी माना जाता है। अर्थात प्राचीन काल में देवताओं की पूजा के बाद बलि देने का प्रावधान था, परंतु जीव हत्या पाप की श्रेणी में आता था। इसलिए ब्राह्मण इनसे दूर रहते थे, क्योंकि देव पूजा बलि के बिना अधूरी मानी जाती थी। इसलिए भगवान विष्णु ने नारियल को पूजा के अंत में तोड़ना अनिवार्य किया, जिससे किसी मानव को जीव हत्या का पाप भी न लगे और पूजा का विधान भी न टूटे। नारियल के बिना की गई किसी भी पूजा को अधूरा माना जाता है। मान्यता है कि भगवान को यदि पूरी श्रद्धा से नारियल चढ़ाया जाए तो आपके दुख दर्द दूर हो जाते हैं और धन की प्राप्ति होती है। सनातन संस्कृति में हर शुभ संस्कार नारियल के बिना अधूरे हैं। ये पवित्रता, शुभ लाभ तथा मंगल में कामना का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नारियल के जन्म के पीछे एक बड़ी ही रोचक कथा है? ये कथा विश्वामित्र से जुड़ी हुई है, आइए जानते हैं। प्राचीन काल में सत्यव्रत नाम का एक राजा थे। वे बहुत धार्मिक स्वभाव वाले और परोपकारी शासक थे। उनके जीवन की सबसे बड़ी इच्छा थी कि वे स्वर्ग लोक जाएं, लेकिन स्वर्ग जाना उनके हाथ में नहीं था। उन्हीं दिनों ऋषि विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे। तपस्या के लिए वो अपने घर परिवार सब छोड़कर सिर्फ ईश्वर में ध्यान लगाए हुए थे। उधर उनका परिवार कई अभावों से पीड़ित था। उस क्षेत्र में अकाल पड़ गया और उनका परिवार भूख और प्यास से तड़प भटकने लगा। राजा सत्यव्रत ने धन्य धान्य से अपनी प्रजा की भरपूर सहायता की। राजा द्वारा सहायता प्राप्त करने वाले में ऋषि विश्वामित्र का परिवार भी शामिल था। राजा सत्यव्रत ने उनके परिवार की सेवा की और उन्हें जरूरत की हर वस्तु उपलब्ध कराई। काफ़ी समय बाद जब ऋषि विश्वामित्र घर वापस आए तो उनके परिवार के सदस्यों ने राजा की सेवा कार्यों के बारे में बताया। उसका आभार व्यक्त करते हुए विश्वामित्र ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। राजा सत्यव्रत ने अपने हृदय में देवी स्वर्ग जाने की कामना विश्वामित्र को बताई, निवेदन किया कि यदि उन्हें वरदान देना ही है तो उन्हें वरदान स्वरूप स्वर्ग जाने का रास्ता बता दें। राजा को वरदान देते हुए विश्वामित्र ने अपने तेज और शक्ति से एक ऐसा मार्ग का निर्माण किया जो सीधे स्वर्ग को जाता था। सत्यव्रत उसी मार्ग से स्वर्ग को पहुंचे, किंतु जैसे ही उन्होंने स्वर्ग के अंदर प्रवेश किया, देवराज इंद्र ने उन्हें धक्का दे दिया, जिससे कि वे सीधे धरती पर आ गिरे। ये बात जब
उन्होंने विश्वामित्र को बताई तो विश्वामित्र बहुत क्रोधित हुए और वह देवों के पास पहुँचे। सभी देवगण विश्वामित्र का बहुत सम्मान करते थे, वो किसी भी मनुष्य को स्वर्ग लोक में प्रवेश देने को तैयार नहीं थे। अंत में इस समस्या का एक हल निकाला गया, वो ये था कि ऋषि विश्वामित्र ने पृथ्वी लोक व स्वर्ग लोक के बीच में अलग से एक स्वर्ग लोक का निर्माण करने का आदेश दिया, ताकि ना ही राजा को कोई परेशानी हो और ना ही देवी देवताओं को किसी कठिनाई का सामना करना पड़े। राजा सत्यव्रत भी इस सुझाव से बहुत प्रसन्न हुए, किंतु न जाने क्यों ऋषि विश्वामित्र को एक चिंता घेरे हुए थी। वो यह थी कि धरती और स्वर्ग लोक के बीच में होने के कारण कहीं हवा के जोर से ये नया स्वर्ग लोक मगाना जाए। यदि ऐसा हुआ तो राजा फिर से धरती पर गिरेगा। इसका हल निकालने के लिए ऋषि विश्वामित्र ने स्वर्ग लोक की नींव रखने के लिए एक मजबूत खंभे का निर्माण किया। इसी नींव पर दूसरे स्वर्ग लोक का निर्माण हुआ, जिसका नाम त्रिशंकु कहलाया। हालांकि यह स्वर्ग से विपरीत दिशा में था, यहाँ के राजा सत्यव्रत बने। जिस खंभे पर यह स्वर्गलोक बना था वो अनंत काल बाद नारियल का पेड़ बना। माना जाता है कि इस खंभे का तना बाद में एक पेड़ में बदल गया और राजा सत्यव्रत का सिर इसका फल बन गया। इस पेड़ को ही नारियल का पेड़ और राजा के सिर को नारियल का फल माना गया, क्योंकि हर मनुष्य स्वर्ग तक नहीं जा पहुँच सकता है, इसीलिए नारियल के फल लिखा गया। इस प्रकार जो लोग स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाए उन्हें स्वर्ग का फल नारियल के रूप में मिला। ऐसी मान्यता है कि आज भी दक्षिण दिशा की ओर यदि आप देखें तो तीन शंकु यानी कि कोण दिखाई देते हैं, यही वो दूसरा स्वर्ग कहलाता है। क्यों दी जाती है नारियल की बलि, इसका धार्मिक महत्व मैं आपको बताती हूँ। नारियल श्री देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का फल माना जाता है, इसलिए हर शुभ कार्य करने से पहले नारियल फोड़ा जाता है। नारियल में ब्रह्मा विष्णु और महेश का वास माना जाता है, इसलिए इसका बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि अपने पूजनीय देवता को नारियल चढ़ाने से आपकी धन संबंधी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। कोई भी शुभ कार्य हो या मांगलिक हवन अनुष्ठान हो, हमेशा पूजा के समय नारियल का फोड़ा जाना बहुत महत्व रखता है। इसे नारियल की बलि देना कहते हैं। नारियल के बाहरी हिस्से को घमन का प्रतीक जबकि अंदर के हिस्से को पवित्रता और शांति का प्रतीक माना जाता है। इस कारण से भगवान की समक्ष नारियल को तोड़ने की प्रथा है। इसे ऐसी भी मान्यता है कि किसी भी शुभ कार्य के करने से पहले नारियल फोड़ा जाता है, ताकि उस कार्य में विघ्न बाधा ना आ पाए, सफलता मिले और घर पर बरकत बनी रहे। किसी भी शुभ कार्य में क्यों जरूरी होता है नारियल? नारियल पानी को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। ज्योतिष दृष्टि से देखा जाए तो इसके अंदर के सफ़ेद भाग और पानी चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करते हैं। चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। कहते हैं हर काम शांत मन से करने से ही और सिद्धि और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो, इसीलिए हर पूजा और अनुष्ठान में नारियल रखा जाता है। नारियल के तीन बिंदु त्रिदेव के प्रतीक माने जाते हैं, लेकिन कुछ मान्यताओं के अनुसार त्रिफल के तीन बिंदुओं को भगवान शिव के त्रिनेत्र से भी जोड़ा जाता है। आमतौर पर नारियल तीन बिंदु वाला ही मिलता है, लेकिन एकाक्षी नारियल मतलब एक बिंदु वाला नारियल को हिंदू धर्म में बहुत शुभ माना गया है। कहते हैं कि इस प्रकार के नारियल महालक्ष्मी साक्षात विराजती हैं। घर में एकाक्षी नारियल रखने से सुख समृद्धि और बरकत आती है। अगर नारियल का जल घर में छिड़का जाए तो घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। घर में नारियल रखने से वास्तु दोष भी दूर होता है। नारियल को सुख समृद्धि धन शुभता और सम्मान का सूचक माना जाता है। पूजा समाप्त होने के बाद नारियल को फोड़ करने के बाद उसके प्रसाद को ग्रहण करने से माँ लक्ष्मी के साथ साथ त्रिदेव की कृपा मिलती है, इसलिए मांगलिक कार्यों में नारियल का बहुत महत्व है। इसलिए महिलाएं नहीं तोड़ती नारियल। नारियल का वृक्ष कल्प वृक्ष कहलाता है। धार्मिक दृष्टि से नारियल इतना महत्वपूर्ण है
तो फिर महिलाओं को इसे तोड़ने का अधिकार क्यों नहीं है? दोस्तों, इसका उत्तर ये है कि महिलाएं संतान जन्म देती हैं, उनमें एक नए जीवन के बीज को अंकुरित करने की क्षमता होती है, जबकि नारियल के फल में भी बीज होता है। ऐसे में भला एक महिला कैसे किसी बीज की हत्या कर सकती है? यही कारण है कि हिंदू धर्म में महिलाएं को नारियल तोड़ना निषेध माना गया है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको नारियल से संबंधित ये जानकारी? अगर आपको पसंद आई हो तो आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और जो पास में आइकॉन बेल है उसको दबाना बिल्कुल न भूलिएगा, क्योंकि इससे आपके पास में मेरी लेटेस्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन आएगा और इससे आप सबसे पहले उसको देख पाएंगे। तो फिर जल्दी ही मिलते हैं एक नई इसी तरह की रोचक वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।